में कमी नहीं रखे हम लोग। 1,26,000 नौकरियां लग चुकी है, 1,20,000 के लगभग प्रक्रिया चल रही है, इंटरव्यू हो रहे हैं, और 1,00,000 की मैंने घोषणा कर रखी है। लगभग 3,00,000 से अधिक नौकरियां एक साथ 5 साल में लगना, ये भी एक इख्तियार बनेगा राजस्थान के अंदर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको। आपको मालूम है कि इस बार हमने कृषि का अलग बजट पेश किया है पूरे देश के अंदर। ये घोषणा करने वाला पहला राजस्थान राज्य है जहाँ मैंने कहा था अगला बजट 22-23 का कृषि का अलग आएगा। अलग बजट पेश किया गया, हमने डबल प्रोविजन कर दिया बजट में उसका पिछले वर्ष से, और जो छूट दी गई किसानों को, कंज्यूमर्स को 50 यूनिट तक फ्री की गई है बिजली, सब मिला के यार 45,00,000 ऐसे कनेक्शन है उपभोक्ता है जिनका बिजली का बिल शून्य हो गया है। आप सोच सकते हो वो जो किसान है, गरीब है, कोरोना की मार झेल चुका है, उनको कितनी खुशी हुई होगी उसकी आप कल्पना कर सकते हो। कोरोना की बात आज मैं कह सकता हूँ आपको, मैं प्रदेशवासियों को बार बार मुबारकबाद देता हूँ। कोरोना विश्वव्यापी महामारी, लोग चिंतित हो गए थे कोई जान बचेगी किसी नहीं बचेगी किसी को नहीं मालूम। उस वक्त में हमने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा राजस्थान के अंदर, दवाएं फ्री करी, इलाज फ्री किया राजस्थान के अंदर, ऑक्सीजन की व्यवस्था करी। पूरे देश में कितने लोग मरे ऑक्सीजन की कमी से, तो राजस्थान में हमने ऑक्सीजन की कमी से किसी को नहीं मरने दिया। शानदार प्रबंधन रहा पूरे देश में, नहीं दुनिया के अंदर भीलवाड़ा मॉडल का नाम हो गया। ये तमाम प्रदेशवासियों का आशीर्वाद थे, धर्मगुरुओं का आशीर्वाद थे, एक्टिविस्ट थे या एनजीओ थे, ये राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता थे। हमने कोई राजनीति नहीं करी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया, बातचीत करी, सबको साथ लिया, हम लोग कामयाब रहे। अब भी गायों का जो बीमारी आई हुई है, लगे हुए हम लोग गाय माता का जो महामारी फैली है रोकने के लिए, कल भी मीटिंग की थी, आज भी दो बड़ी मीटिंग फिर कर रहे हैं हम लोग। पूरे प्रदेश के वार्ड पंचों को जोड़ रहे हैं हम लोग, सरपंच को जोड़ रहे हैं हम लोग, पार्षदों को जोड़ रहे हैं। प्रयास करेंगे किस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज जो है वो खतरनाक डिजीज है, आगे फैले नहीं और गौ माता बच जाए, ये हमारा प्रयास है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा किसानों को हम लोग ब्याज रहित 20,00,000 करोड़ का हम लोग लोन देते हैं, कमी नहीं आएगी। 1,000 रुपये प्रति किसान दे रहे हैं हम लोग, उसके बड़ा लाभ मिला है। और तो और 22 को बजट पेश किया मैं 23 फरवरी को, और एक दिन पहले तक के जो अप्लाई किए हुए थे किसान कनेक्शन के लिए कुओं के लिए, 3,00,000 से अधिक उन तमाम लोगों 3,34,000 वो बिजली कनेक्शन देने का हमने SMD में घोषणा की थी, वो काम चालू है। मैं उम्मीद करता हूँ वो भी काम हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, हेल्थ का चैलेंज योजना के अलावा भी 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले राजस्थान के अंदर, PHC CHC सब सेंटर के जाल बिछा दिया है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे सड़कों की बात हो, जाल बिछा रहे हैं 20,000 करोड़ रुपये खर्च करके। नेशनल हाईवे के अलावा स्टेट हाईवे हो, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, गांव की रोड्स हो, रिपेयर का काम वो सब हो रहा है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि मैंने कहा कॉलेज खोली हमने 75 साल में 240 कॉलेज खोली थी, और हमने 3 साल में 210 कॉलेज खोल दी है, उसमें 94 कॉलेज तो लड़कियों की खोल दी है। और ये कह दिया है जहाँ 500 गर्ल्स मिलेगी स्कूल में वहाँ कॉलेज खोल दी जाएगी। इस प्रकार से हमने इस काम को भी हाथ में लिया है। बाकी आप समझ सकते हैं कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सामाजिक सुरक्षा में मुख्य ध्येय लेके चल रहे हैं।